जय हिंद दोस्तों, आज हम दिखाते हैं आपको रेलवे ग्रुप डी की टाइमिंग। आपको लगातार वीडियो हमारे आ रहे हैं कि टाइमिंग यहाँ के बच्चों की कितनी आ रही है। आज फिर बृहस्पतिवार का दिन है, हफ्ते में 3 दिन टाइमिंग हो रही है हमारे यहाँ पे। आज हम दूसरी टाइमिंग इस हफ्ते की दिखाने जा रहे हैं कि इन रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी, क्योंकि सब नया बैच है पूरा, किसी को 4 दिन 5 दिन 6 दिन हुआ है और कुछ बच्चे पुराने हैं, तो सभी की टाइमिंग और नए बच्चों की टाइमिंग क्या आती है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। कितने बच्चे ऐसे हो जिनको केवल 5 दिन हुआ है अकेडमी से? आ तो बताओ, 5 दिन वाले। कितने ऐसे हैं जो केवल 2 से 3 दिन हुआ है? दूसरा दिन है केवल, दूसरा दिन। कितने मीटर टाइमिंग देनी है आपको? 1 किलोमीटर। क्या समय है? 4:15। कितने बच्चे ऐसे हो जिनका 10 और 11 को पिचकर लगा है? 11-12 को। आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की 1 किलोमीटर की टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपको पूरा बैच की टाइमिंग दिखाई दी जाएगी कि आखिर यहाँ के बच्चों की क्या टाइमिंग आ रही है। देख रहे हैं आर्मी वाले स्वागत करते हुए सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह बनाए रखना पेस अपना पूरा। आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी बैच है ये पूरा हमारे यहाँ पे और 1 किलोमीटर का टाइमिंग टेस्ट लिया जा रहा है। आज देखना है कि 1 किलोमीटर, क्योंकि बहुत ही जल्दी डेट आ चुकी है और 10 तारीख से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पिचकल स्टार्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से ये टाइमिंग है पूरी। और देखना है आज कितना है किसमें दम, कौन दिखा पाता है आज अपनी प्रतिभा और कितने बच्चे हैं ऐसे जो पास हो पाते हैं, क्योंकि 5 से 6 दिन हुआ। बढ़ाओ, पूरे चक्कर है बेटा, 2.5 चक्कर जाना है, ये ना करना केवल पहले चक्कर भाग लेना। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और आप देख रहे हैं इस बच्चे ने पूरे बैच को पीछे कर दिया है। बहुत बढ़िया, चलते रहो, शाबाश। और सभी ग्रुप डी अभ्यर्थी सीपीओ साई स्वागत करते हैं। और पहला चक्कर 1 मिनट 20 सेकेंड, दूसरा स्टार्ट, स्लो स्लो। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का ये दूसरा चक्कर जाता हुआ। और आपको बता दें अभी भी समय है, जिनके पास 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, अगर आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है और आपकी डेट 20 तारीख के बाद है, तो आप आके यहाँ पे ग्रुप डी का फिजिकल कर सकते हैं और आपका फिजिकल 20 दिनों में इतनी हार्ड प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आराम से कंप्लीट हो जाएगा। स्लो। और ये बालक पहले चक्कर में तो आंधी उड़े थे और दूसरे में थोड़ा स्लो हो गए, फिर भी लेकिन आगे चलते हुए। और पूरा ग्रुप डी का बैच लगभग फैल चुका है। कोई बात नहीं बच्चा, शाबाश, चलते रहो, वेरी गुड। 600 मीटर डिस्टेंस पूरी हो चुकी है मां, 400 मीटर से। आज देखना है किसमें कितना है दम, आखिर कौन ऐसे बच्चे हैं जो पास हो पाते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4 मिनट 15 सेकेंड के बाद भी आते हैं। बहुत बड़े चश्मा, शाबाश। हल्की हल्की गुनगुनी धूप है, ठंडी का मौसम है। बहुत बढ़िया, 2 मिनट 42 सेकेंड और संभल का शेर आगे बढ़ता हुआ। बड़ा बड़ा शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। और हमारा ये शेर निकल चुका है और 800 मीटर डिस्टेंस पूरी 2 मिनट 53 सेकेंड। बड़ा बड़ा बढ़ा, 256। बहुत बढ़िया, शाबाश, आराम से पढ़ाए रहो, बस हाँ पढ़ाए रहो। 3 मिनट 5 सेकेंड और अंदर दाब के चल बेटा, शाबाश, किनारे से, वेरी गुड, आराम से। 3:11, 3:12, आज रिकॉर्ड टूटने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, ऐसी टाइमिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। चल बेटा और बढ़ा स्पीड, शाबाश, और बढ़ा। 3:20, 3:21, 3:23, 3:24, 3:25, 3:26, 3:27, 3:28, 3:27, 3:28, 3:29, 3:30, 3:30, शाबाश। आपने देखा रेलवे ग्रुप डी की आज की रिकॉर्ड तोड़ टाइमिंग है और 3 मिनट 30 सेकंड में ये बच्चा आ गया है। चल बेटा चश्मा, शाबाश, सेकंड रहना है तुझे, वेरी गुड। 3:43, 3:44, 3:45, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50, 3:55, 3:56, 3:57, 3:58, 3:59, 3:59, 4 मिनट 4:01, 4:02,
4 minutes. इधर फिनिश किया करो, चाहे जितनी आए। 5 minutes 8 seconds. 5:12, 5:13. आ जाओ, खींच के। 5:20, 5:21, 5:22, 5:23, 5:24, 5:25. फिनिश करो, पूरा फिनिश करो। 5:33, 5:34, 5:35. तो ये रही आज की ग्रुप डी की टाइमिंग, बृहस्पतिवार की टाइमिंग थी। और देखते हैं, आज लेंगे रिव्यू जरूर हम इन बच्चों का कि आखिर कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4:15 के ऊपर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन वाले भी बच्चे कई सारे शामिल हैं। कोई आसान नहीं होता है रेलवे ग्रुप डी की 10 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया, मेहनत करनी पड़ती है और लगे रहेंगे, बराबर प्रयास करते रहेंगे। देखना है नेक्स्ट टाइमिंग आखिर क्या आती है इनकी, देख सकते हैं आप क्या हाल हो जाता है इनके जैसे का।